हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैसिक एक्स के 15 वर्ज़न के बारे में, जो कि लेटेस्ट अपडेट आ गया है और यहाँ पे इसे पोर्ट किए गए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रो की तरफ से। जो प्रीवियस बिल्ड इसका था 14 वाला, उसमें अलग डेवलपर्स थे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो फिर भी मैं दोनों का यहाँ पर बताने वाला हूँ कि प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले यहाँ पर जो है क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और क्या कुछ बग्स भी है उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर ले, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ साथ हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो ले, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे ऑल स्पेक्स के अंदर। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 10 हमें देखने को मिल जाता है और 1 जून 2020 की सिक्योरिटी पैच मिल जाती है। वर्जन यहाँ पे MIUI 12.1 बाय मैसिक देखने को मिलता है। बाकी कर्नल यहाँ पे हमें पांडा का 6.0 देखने को मिल जाता है ESC, और जो कि यहाँ पे प्रीवियस बिल्ड में हमें एक्सटेंडेड का देखने को मिलता था, तो यहाँ पे हमारा जो पांडा का मिलता है। बाकी कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ पे डबल डबल आपको, जैसे कि आपका डाटा इनेबल करने के लिए वाईफाई का डबल देखने को मिल जाता है, ये जो है देखने को मिलने वाला। बाकी कंट्रोल सेंटर हमारा यहाँ पे स्मूथ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे फिलहाल हमें। एंड बात करते हैं वॉल्यूम पैनल की, तो वॉल्यूम पैनल भी सेम ही है प्रीवियस बिल्ड की तरह, कोई चेंजेस नहीं है। एंड पावर मेन्यू को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो अपने डेवलपर ऑप्शन पर जा करके। बाकी यहाँ पर हमारा जो रिसेंट है यहाँ की अगर बात करें तो ये तो हमारा स्मूथ मिल जाता है। और बात करें तो यहाँ पे जो है रैम मैनेजमेंट भी पहले से थोड़ी सी इंप्रूव आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 1.8 या 1.9 जी के करीब जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है। बाकी बोल्टी हमारी वर्किंग है और वीडियो कॉलिंग भी बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है, वाईफाई कॉलिंग यहाँ पे काम नहीं करती है। एंड गैलरी की अगर हम बात करें तो गैलरी में जो है आपको लेटेस्ट फीचर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है इस अपडेट में प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी लेटेस्ट फीचर आए हुए हैं गैलरी में, सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। स्काई भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है अब। एंड बात करते हैं यहाँ पे कैमरे की, तो कैमरे में थोड़ा सा एक दिक्कत है कि पोर्ट्रेट मोड में आप वाटरमार्क के साथ क्लिक नहीं कर पाओगे, क्लिक करते ही आपको एरर देखने को मिलेगा, तो वाटरमार्क आपको यहाँ पे ऑफ करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस बिल्ड में इलेक्ट्रो के जो बिल्ड है यहाँ पे, इसमें हमें जो है वाटरमार्क ऑफ करना पड़ेगा, ये एक दिक्कत है यहाँ पे फिलहाल। तो इसे भी ऑफ करके आप जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से क्लिक कर पाओगे। बाकी यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी जो है हमारी 1080 60fps एंड 4K 30fps सेम ही मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे GCam की अगर हम बात करें तो गूगल कैमरा आप बिल्कुल ऐसे तरीके से यूज़ कर पाओगे। TR कैमरा का जो कि वर्जन 7 लेटेस्ट आया है वो भी बिल्कुल ऐसे तरीके से यहाँ पे चल रहा है और इसमें कोई भी दिक्कत फिलहाल हमें देखने को नहीं मिलती है, तो आप अच्छे तरीके से जो है पिक्चर भी क्लिक कर पाओगे। एंड बात करें FM आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला इस बिल्ड में, जो कि प्रीवियस बिल्ड में देखने को मिलता था। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है हमारी यहाँ पे इंटरनल साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, फ्रेम रेट 60fps तक हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें मैजिक मैनेजर, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पे 20.4 वाला फ्लश रहता है जिसमें आपको सेफ्टी नेट देखने को नहीं मिलती, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप 20.3 फ्लश कर लेना, जैसे कि मैं फ्लश किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि इस पर आपको सेफ्टी नेट यहाँ पे हमें मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो सेफ्टी नेट हमें मिल जाता है। और यहाँ पे साथ साथ आप प्ले स्टोर भी सर्टिफाइड कर सकते हो, तो प्ले स्टोर आपका सर्टिफाइड नहीं रहता है तो सिंपली आपको प्ले स्टोर यहाँ पे होल्ड करके रखना है, तो इस तरीके से ये जो है होल्ड करके रखना, ऐप इन्फो में जा करके क्लियर ऑल डाटा आपको इसका कर देना है, उसके बाद प्ले स्टोर 1 से 2 बार जब ओपन करोगे देखोगे तो आपका जो प्ले स्टोर है सर्टिफाइड हो जाएगा, तो ये भी जो है आप सर्टिफाइड कर पाओगे इस तरीके से। एंड बात करते हैं यहाँ पे हमारा जीपे, तो जीपे हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। और मूवी क्विक की अगर हम बात करें तो मूवी क्विक जो है हमारा यहाँ पे काम नहीं करता है, तो आपको परमिशन देके पहले ट्राई करना पड़ेगा। परमिशन से अगर काम नहीं बनता तो आपको मैसेज से जो है यहाँ पे हाइड करना पड़ेगा, तो मैजिक मैनेजर में आपको जो है ये हाइड करके फिर यूज़ करना पड़ेगा, तभी यूज़ कर पाओगे। बाकी सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे कास्ट की बात करें तो कास्ट हमारा बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉक स्क्रीन के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे तो फिलहाल सेम ही हमें देखने को मिलने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है क्लॉक फॉर्मेट। एंड यहाँ पे हमें जो है चार्जिंग एनिमेशन भी तीनों हमें लेटेस्ट ही देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो जो कि हमें तीनों दिया गया था तीनों यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारा जैसे कि डिस्प्ले सेटिंग, तो डिस्प्ले के अंदर भी फिलहाल यहाँ पे डार्क मोड, कलर वगैरह, रीडिंग मोड सारी सेम ही मिलती है, कोई चेंजेस नहीं है। बाकी यहाँ पे सिस्टम एनिमेशन भी हमें देखने को मिल जाता है। एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला है, जैसे कि पार्टीशन अलग अलग हो गया, कंट्रोल सेंटर स्टेटस वाले इस तरीके से तो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हमें हाइड इन्फो टॉगल मिल जाता है, जो कि ऐड किया गया, इससे आप हाइड कर सकते हो, इन्फो वाला ऑप्शन जो कि हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेश होता है उसके बाद ही जो है डाउन होगा स्क्रोल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हाइड हो जाता है, ये जो है यहाँ पे हाइड हो जाता है आपका।
बाकी स्विच करने के लिए मिल जाता है, बाकी आप ऑन ऑफ कर सकते हो कंट्रोल सेंटर को अपनी लॉक स्क्रीन में। बाकी यहाँ पे हमें डुअल नेटवर्क आइकन देखने को मिलने वाला है यहाँ पे इस अपडेट में। बाकी और ऑप्शंस जो हैं सेम मिलने वाले हैं यहाँ पे। बैटरी आइकन स्टाइल जो कि एंड्रॉइड एंड एम आई वाई का आप कर सकते हो, बाकी इंडिकेटर आपको सेम है। यहाँ पे नीचे आपको नोच का जो ऑप्शन है नीचे देखने को मिल जाता है। बाकी स्टेटस बार आइकन का जो कि हाइड करने के लिए नीचे आपको देखने को यहाँ पे ये मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप हमें देखने को मिल ही जाता था। बाकी यहाँ पे और क्या कुछ चेंजेस हमें आगे आपको बताने वाला हूँ। तो साउंड के अंदर अगर हम चलते हैं तो सारी चीज़ें सेम मिलने वाली यहाँ पे हमें, लेकिन नीचे आपको चेंज देखने को मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। एडिशनल सेटिंग साउंड इफेक्ट यहाँ पे मिल जाता है हमें, एंड नीचे आपको यहाँ पे जो कि म्यूजिक मैनेजमेंट देखने को मिलने वाला है इस अपडेट में, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। एंड बात करते हैं होम स्क्रीन की, तो होम स्क्रीन के अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को मिलता जो कि प्रीवियस बिल्ड में देखने को मिलता था। यहाँ पे हमारा सर्च बार दोनों ही देखने को मिल जाता था, गूगल का एक नॉर्मल सर्च बार तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आपको देखने को मिलने वाला जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें फिलहाल कोई चेंजेस होम स्क्रीन में आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड बात करते हैं यहाँ पे वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स के अंदर अगर आप चलते हो तो यहाँ पे वॉलपेपर्स जो है आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो है सुपर वॉलपेपर भी देखने को मिलने वाला है इस अपडेट में, जो कि प्रीवियस बिल्ड में हमें देखने को नहीं मिलता था 14 में। और यहाँ पे सुपर वॉलपेपर आपका डाउनलोडेड मिल जाता है बिल्कुल लोकेशन के साथ दोनों ही, तो यहाँ पे आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको फाइंड मोर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बाकी थीम्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो थीम्स जो है यहाँ पे आपको सिंगल ही देखने को मिलने वाली। बाकी थीम स्टोर जो है आपका इंग्लिश में ही देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी एक जो बग है यहाँ पे फॉन्ट का वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ, जबकि काफ़ी पुराना बग है ये। जैसे कि हम डार्क मोड इनेबल करते हैं तो यहाँ पे जो है इनविजिबल हो जाता है ये, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये अभी तक फिक्स जो है यहाँ पे नहीं हुआ इस बिल्ड में भी, तो आगे देखते हैं कब तक ये फिक्स होता है, लेकिन अभी तक जो है ये फिक्स नहीं हुआ, काफ़ी पुराना था। बाकी यहाँ पे थीम कंपोनेंट्स के अंदर ये कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी थीम लैब के अंदर ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर एंड वॉलपेपर साइज और मिल जाता है। और यहाँ पे जो है हमारा एक प्रोफाइल वीडियो देखने को मिलता था जो कि अभी फिलहाल साउंड के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और बात करते हैं यहाँ पे जो कि हमारा सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों ही बिल्कुल ऐसे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल देखने को नहीं मिलती है। एंड बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की, तो पांडा करने वाले तो बैटरी बैकअप भी आपको अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो बैटरी बैकअप में फिलहाल कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। एंड ऐप्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारा डुअल ऐप बिल्कुल ऐसे तरीके से वर्किंग है। एंड एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है लैंग्वेज मिल जाता है, लैंग्वेज कौन कौन सी देखने को मिलती है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो लैंग्वेज जो है हमारी ये कुछ लैंग्वेज है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो काफ़ी सारी लैंग्वेज है जो कि हमें यहाँ पे मिल जाती है। बाकी फुल स्क्रीन डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो सेम है, यहाँ पे भी हमें कोई चेंजेस फिलहाल देखने को नहीं मिलता, सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा जेस्चर भी काफ़ी स्मूथ आपको जो है मिल जाता है, तो इसमें फिलहाल कोई दिक्कत हमें नहीं मिलती और बिल्कुल ऐसे तरीके से जो है काम कर रहा है यहाँ पे। एंड बटन्स की अगर हम बात करें तो नेविगेशन बटन भी बिल्कुल फास्ट जो है रिस्पॉन्स यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे भी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती, बिल्कुल ऐसे तरीके से जो है ये काम कर रहा है। बाकी नोटिफिकेशन लाइट हमारी वर्किंग है। एंड क्विक बोल मिल जाता है, 100 मोड मिल जाता है, क्लियर स्पीकर भी देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। बाकी गेम टर्बो जो है नॉर्मल पहले जो था वही है। एंड फ्लोटिंग विंडो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो कि सेम आपको मिलने वाले, कोई चेंजेस नहीं। बाकी स्क्रीन टाइम मिल जाता है एंड यहाँ पे फोकस मोड भी हमें देखने को मिल जाता है। बाकी मैं आगे आपको बताने वाला यहाँ पे हमें और क्या कुछ फिलहाल जो कि छोटे मोटे चेंज है। बाकी एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 143,932 हमें देखने को मिलता है, जबकि प्रीवियस वर्ल्ड में 150,000 के करीब हमें देखने को मिलता था। गेम टर्बो में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें वॉइस चेंजर मिलता है लेकिन ये काम नहीं करता, जबकि प्रीवियस वर्ल्ड में हमें वॉइस चेंजर देखने को नहीं मिलता था, तो ये फिर भी यहाँ पे दिया है लेकिन काम ये नहीं करता है, इसका आप यूज़ जो है अभी फिलहाल नहीं कर पाओगे। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं सेटिंग्स की, ग्राफिक की, तो ग्राफिक आपको HD तक ही मिलने वाला है जैसे कि प्रीवियस बिल्ड में भी था। और पबजी परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे अच्छी ही मिल जाती है, कोई ऐसी आपको दिक्कत देखने को फिलहाल नहीं मिलता था। आप बिल्कुल MIUI में जैसे कि MIUI 12 के रोम्स में चलते हैं उस तरीके से आप जो है यहाँ पे पबजी भी खेल पाओगे, फिलहाल कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती। और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आपको जो है यहाँ पे मिल जाता, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता। तो फिलहाल जो है फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए, थोड़ी बहुत आपको परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई है पहले से, और यहाँ पे और तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे फीचर्स ऐड नहीं किए, लेकिन जो भी लेटेस्ट फीचर आए हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी कुछ छोटे मोटे एक से दो जो बग हैं वो देखने को मिलते हैं, बाकी वो भी धीरे धीरे जो है फिक्स हो जाएगा, जैसे कि डार्क मोड वाला हो गया है एंड और भी एक दो छोटे छोटे जो है आपको मिल जाते हैं। बाकी और ऐसा कोई आपको दिक्कत देखने वाला नहीं मिलता था। आप यहाँ पे जो है गेम का भी आपका जो टच रिस्पॉन्स है अच्छा ही आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की इसके, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, फिर हमारे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। और बाकी इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है इंस्टॉल करने के लिए आपको अनऑफिशियल वाली ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल में आपको Error 7 देखने को मिल सकता है, क्योंकि Error 7 मुझे देखने को मिला था लेकिन आपको भी शायद देखने को मिल सकता है, ज़्यादातर चांस है कि मिलेगा ही, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं ऑरेंज फॉक्स की अनऑफिशियल वाली रिकवरी भी दे दूंगा, तो आप उसको फ्लश कर लेना, उसमें जो है ये फ्लश हो जाता है बिल्कुल, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा।
बाकी और भी रिकवरी है, पिच ब्लैक भी, उसमें भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मैं अपने हिसाब से जो है वो आपको दे दूंगा, तो आप उसको फ्लैश कर लेना, उससे फ्लैश करोगे तो आपको जो है एरर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इंस्टॉल करने के लिए सिंपली डॉलविक सिस्टम डेटा वेंडर कैच इन पांचों को क्लियर करना है और रोम फ्लैश करके डायरेक्ट रिबूट कर लेना। बाकी बाद में अपना मैजिक मैनेजर जो है 20.3 फ्लैश कर लेना, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट जो प्री इंस्टॉल आपको 20.4 मिलने वाला है, तो फ्लैश कर लेना। उसके बाद आपको आगे बता ही रखो कैसे फिक्स करना है, सर्टिफाइड करना है सारी चीज़ें, या फिर कुछ यहाँ पे मिस हुआ है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा आपका खाली होते, क्योंकि एक वीडियो और मुझे कंप्लीट करना है यहाँ पे फिलहाल, तो मैं खाली होते हुए आप सबका जवाब जरूर दे दूंगा। और बाकी टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो लेना, वहाँ पे भी सपोर्ट आप सब दिखा रहे हो काफ़ी, तो वहाँ पे 1K हो चुके हैं हमारे मेंबर्स, तो थैंक यू, आप सबका सपोर्ट इसी तरह रहना चाहिए, तो आगे भी हम लोग और भी अचीवमेंट जो है कंप्लीट करेंगे। तो यही सारी चीज़ थी आज की वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।